आपका पार्टनर आपको बेहद प्यार करता है, बहुत ज्यादा चाहता है और आप भी उसे बहुत चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन कभी नहीं आ सकता और आज भी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बट इसके बावजूद आपको ये फील होता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आप दोनों अब पहले की तरह चीजों को इंजॉय नहीं करते, वक्त साथ में स्पेंड करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं, पहले की तरह अपनी चीजों को शेयर नहीं करते। एक अनचाही सी अनकही सी दूरियां दो लोगों के बीच में आ रही हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है बट वो हैं और उन दूरियों को आप महसूस कर पाते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है ना, तो अपने रिश्ते को यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब नया रिश्ता होता है ना, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। वक्त के साथ में उस रिश्ते में समझदारी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, ट्रस्ट आ जाता है, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप छोटी छोटी चीजों में भी ना बेपरवाह केयरलेस हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि जरूरत ही नहीं है, सामने वाला इंसान हमारा है और हमें ट्रस्ट है कि हमारा ही रहेगा। इसलिए एफर्ट क्यों करना है, वो एफर्ट जो कभी आप करते थे ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती आप लोगों के रिश्ते में। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप छोटी छोटी चीजें करके अपने रिश्ते को जिंदा रख पाए तो इसमें क्या बुराई है। कभी कभी बड़े होने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद, हमें ऐसा लगता है कि क्यों ही किसी को आई लव यू बोलने की जरूरत है, क्यों ही कुछ गिफ्ट देने की जरूरत है, क्यों वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना है, क्यों कुछ एफर्ट लगाने हैं, किस लिए लगाने हैं, ये तो है ही ना मेरे लिए, ये चीजें ठीक नहीं है। मान लीजिए कि आपकी जो फेवरेट डिश है ना, वो पालक पनीर है। आप पालक पनीर बहुत स्वाद से खाते हैं, बट उसी पालक पनीर को अगर सेम रेसिपी से रोज रोज बनाया जाए ना, तो आपको कितना भी पसंद हो, आप फेड अप हो जाएंगे उस चीज से। जरूरी है कि अगर पालक पनीर भी आपको खाना है, तो उसकी रेसिपी चेंज होती रहे, कभी डिश चेंज हो जाए, ये चीजें जरूरी होती हैं एक रिश्ते में भी। जब रिश्ता एक ही पेज पर चलता है बार 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 बार, तो वो उसमें वो स्पार्क नहीं रहता जो कभी था। प्यार रहता है लेकिन एक्साइटमेंट नहीं रहती। उस रिश्ते में एक्साइटमेंट लेकर आने के लिए जरूरी है कि वो छोटी छोटी चीजें जो आप कभी करते थे वो करते रहें। पार्टनर के साथ में इन छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, कि आपकी वो छोटी छोटी शरारतें, वो नोटी नोटी हरकतें वो होनी चाहिए। कभी अपने पार्टनर को छेड़ देना, तो कभी उसको प्यार दिखाना, कभी किसी चीज के लिए जिद करना, कभी बच्चों वाली बाहर जाके हरकतें कर लेना, ये चीजें ना जिंदगी को और रिश्ते को जिंदा रखते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं जिससे दोनों इंजॉय तो करें ना। एक बोरिंग सी मोनोटोनस लाइफ को इंसान कब तक जी सकता है, आप भी नहीं जी सकते, वो भी नहीं जी सकता। कभी कभी आपने देखा है कि जो रिश्ते बहुत पुराने होते हैं, उन रिश्तों में भी कोई तीसरा आ जाता है। रीजन यही होता है कि दो लोग बहुत फेड अप हो जाते हैं एक दूसरे से, उस बोरिंग सी लाइफ से, और जैसे ही उन्हें कुछ एक्साइटेड बाहर नजर आता है, तो उसमें से एक उस बाहर वाली चीज की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो चुका है। सो जो चीजें आपके रिश्ते में हो रही हैं, वो यही बोरियत है जो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया करूंगी या कुछ ऐसी हरकतें कर दूंगी या फिर ऐसा कुछ ना चुलबुला सा मैं बिहेव करूंगा, तो मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, उसको लगेगा कि मैं बच्चों ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होने वाला। कभी भी ये ना सोचें कि आप कुछ करेंगे तो आपके पार्टनर को आप बचकाने लगेंगे या उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसको अच्छा नहीं लगता कि उसका पार्टनर उसको प्यार दिखाए, किसको अच्छा नहीं लगता कि उसका पार्टनर उसके साथ में चीज़ों को एंजॉय करे, किसको नहीं पसंद कि उसका पार्टनर खुश रहे। सो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू करें। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।